ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। नवजोत सिंह सिद्धू ने लाया इल्जाम, कहा प्रकाश सिंह बादल ने 2013 च पंजाब कॉन्ट्रैक्ट बिल विधानसभा च कीता सी, पर पहला पंजाब च कानून करवाए गए लागू, फिर मोदी सरकार ने पूरे देश करवाए लागू। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा इन्होंने कानून च किते भी नहीं सी एमएसपी का जिक्र, कारपोरेट कंपनियां घट एमएसपी ते खरीद सकदियां सी किसानों दियां फसलां। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह खिलाफ कोरोना नियमों का उल्लंघन करने होया नोटिस जारी, सारागढ़ी शहीद स्मारक का उद्घाटन कर ब्रिटेन पहुंचे जथेदार नूं उत्थों दी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिता नोटिस, 10,000 पाउंड लग सकता जुर्माना। श्री केसगढ़ साहिब विखे हुई बेअदबी मामले च कार्रवाई, पुलिस ने मुलजम नूं हिरासत च लिया, पूछगिछ जारी। तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे हुई बेअदबी का मामला पख्या, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर पहुंची श्री केसगढ़ साहिब, पूरे हालातों का लिया जायजा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रधान बीबी जगीर कौर ने कहा तारा 295A तो नहीं संतुष्ट लगाना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल वालों श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मानसा, फाजिलका, फरीदकोट की लीडरशिप नाल की गई मीटिंग, पिंड बादल च हुई मीटिंग च 2022 दी चोणां नूं लैके काम करन ते हुई चर्चा। जलंधर शहर च अज फिर कलाबाजियां करदे एयरफोर्स के जहाजा ने शहर वासियों नूं कीता आकर्षित, आसमान च कलाबाजियां करदे जहाज आए नजर, लोगों ने अपने फोन च कैद किया मनमोहक नजारा। हरियाणा बीजेपी के प्रधान ओपी धनखड़ वालों किसान अंदोलन के दिते बयान से बोले हरपाल चीमा, कहा उन्हों का दिमागी संतुलन होया खराब, गलत बयानबाजी करके बीजेपी करना चाहती अंदोलन नूं कमजोर। खेती कानूनों लैके कैप्टन अते हरसिमरत कौर बादल विचाले छिड़ी ट्विटर वॉर, हरसिमरत नूं कैप्टन ने दिता तिखा जवाब, कहा किसी भी अकाली नूं खासकर हरसिमरत कौर बादल नूं खेती कानूनों नाल पैदा होए संकट बारे बोलण दा कोई हक नहीं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब पहुंचे श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के प्रधान परमजीत सिंह सरना, बेअदबी की घटना नूं लैके कहा सिख इतिहास च काले पन्नियां च लिखी जाएगी यह घटना। परमजीत सिंह सरना ने की मंग, प्रबंधकों ते एसजीपीसी की प्रधान बीबी जगीर कौर नूं देना चाहिए इस्तीफा, कहा बेअदबी के बाद अपने अहुदे ते नहीं रहना चाहिए। पंजाबी सिंगर करण औजला ते हरजीत हरमन वालों गाए गाने शराब नूं लैके पंडित राव दी शिकायत ते पंजाब मेला विभाग दी चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने लासू मोटो 22 सितंबर नूं निजी तौर ते पेश होण दा नोटिस जारी। अमृतसर च 24 घंटे दौरान दूजी लुट दी वारदात, गन पॉइंट ते लुटेरियां ने दुकान दे मालिक तो लुटे 12,000 रुपए, सारी घटना सीसीटीवी च होई कैद, इस तों पहला भी रानी का बाग च होई सी इसे तरह की लुट। हरियाणा बीजेपी प्रधान ओपी धनखड़ ते बरसे कांग्रेसी बुलारे राजकुमार वेरका, कहा इन्हां कोलों हरियाणा दा संभाल नहीं हुंदा, किसानां नूं बदनाम करके कट्टिया राजनीति कर रहे, अजिहे लोकां नूं आनी चाहीदी है शर्म, हरियाणा सीएम नूं भी मंगनी चाहीदी माफी। हरियाणा दे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय परिवार समेत पहुंचे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब, एसजीपीसी ने सूचना केन्द्र च सिरोपा ते हरिमंदर साहिब दा मॉडल देख के कीता सन्मानित। खन्ना की संघनी आबादी वाले इलाके च बुजुर्ग औरत की मिली लाश, हत्या का जताया जा रहा शक, महिला का परिवार कैनेडा च रहिंदा, पुलिस दी टीमां मौके ते पहुंच कर रही पुछ पड़ताल। गिदड़बाहा दे पिंड पुंदर दे खेतां च मिली एक नौजवान मुंडे ते कुड़ी दी लाश, जहरीली चीज निकल के की गई खुदकुशी, गिदड़बाहा दी पुलिस मौके ते पहुंच मामले की जांच जुटी। दिल्ली विच पिछले 3 साल की तरह इस साल भी दिवाली के पटाकों की विक्री भंडारण और वरतों से लगाई पाबंदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल राही इसका किया ऐलान। सेवा मुक्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नवे राज्यपाल वजो चुकी सहु, उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर एस चौहान ने राजभवन में सादे समारोह में उन्होंने अहुदे लिए चुकाई सहु। दिल्ली के सिंघू सरहद से पिछले 9 महीनों तो अंदोलन कर रहे किसान हुण प्रशासन वालों की अपील तो बाद एक पास से तो नैशनल हाईवे 44 खोलन लई सहमत। राजस्थान के जयपुर में संयुक्त किसान मोर्चे वालों किसान संसद का किया गया आयोजन, नवे खेती कानून और महंगाई बारे की जाएगी चर्चा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर पहुंच किया किसानों का स्वागत। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने किसान अंदोलन को लेकर फिर दिता विवादित बयान, कहा किसान अंदोलन हुण अंदोलन नहीं गदर है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय बुलारे राकेश टकैत ने AIMIM मुखी असदुद्दीन ओवैसी नूं भारतीय जनता पार्टी का चाचा दस्या, भागपत विच उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश च भाजपा के चाचा जान ओवैसी खिलाफ नहीं हुंदा कोई केस दर्ज। AIMIM के मुखी असदुद्दीन ओवैसी ने तालिबान बारे उन्होंने नजरिए पुछे जान ते नाराजगी जाहिर की, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार चुनौती देंदे कहा कि वह इस अतवादी संगठन करे ऐलान।
अगले साल होने जा रही हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चोणां विच कांग्रेस जनरल सकत्तर अते यूपी तो इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली जां अमेठी दी सीट तो चोण मैदान विच उतर सकती है। जेकर अजिहा हुंदा है ते प्रियंका गांधी परिवार दी विधानसभा चोणां लड़न वाली पहली मैंबर होवेगी। एक देश एक कीमत योजना के तहत पेट्रोल डीजल कुदरती गैस आते हवाई बाज टरबाइन फ्यूल जीएसटी के दायरे में लियान से विचार कर सकती है केंद्र सरकार। 17 सितंबर लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस उत्ते चर्चा होने की संभावना। झारखंड के रामगढ़ जिले के मुरबंदा लाड़ी नेड़े बुधवार सवेरे बस और वैगनार कार विचकार सीधी टक्कर में 5 व्यक्तियों की मौत। बस के कार उपर चार जाने कारण लगी भयानक अग। तालिबान के खिलाफ जारी अफगानिस्तान लोगों की नाराजगी, कंधार से लोगों ने किया रोस प्रदर्शन, कंधार से जबरन विस्थापन का लोगों ने किया विरोध। कैनेडा च कोविड-19 का कहर जारी, कनेडा च 3.955 नवे मामले आए सामने जिस नाल कुल कोरोना मरीजों की गिनती 1.55 मिलियन तो पार। उथे इस महामारी कारण हुण तक करीब 27.262 लोगों की हो चुकी मौत। काबुल च अफगान मूल के एक भारतीय नागरिक नूं दिन दिहाड़े किया अगवा, बंदूक की नोक से अगवा करने वाले दसे जा रहे हैं तालिबानी। उत्थे घटना तो बाद भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय नाल साध्या संपर्क अते जल्दी कार्रवाई की कीती मंग। फ्रांस के कई इलाकों इन दिन करना पै रहा भारी तूफान का सामना। फ्रांस के शहर नाइम्स में भारी मीह पैण कारण हड़ वर्गा होया दृश्य, उत्थे कारा पानी च डुबिया आईया नजर। अमरीका की पॉप स्टार गायक निकी मिनाज ने कोरोना वैक्सीन बारे दिता अजीब बयान, क्या वैक्सीन लगाने नाल लड़के हो रहे ने नाम मर्द, जिस तो बाद उन्होंने इस बयान से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के मुख मैडिकल अफसर ने उन्होंने की आलोचना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंग्लैंड के मुख मैडिकल अफसर ने की पॉप स्टार निकी मिनाज के बयान की निखेधी, क्या कोरोना वैक्सीन लैके उड़ाई जा रही अफवाहों नाल जोड़िया जा सकता है मिनाज का बयान। ब्राजील के एक पेंडू इलाके च एक विमान के क्रैश होने के चलते 7 लोगों की हुई मौत, मरने वाले चो पायलट सह पायलट और 5 यात्री ने मौजूद। जानकारी मुताबिक जहाज ने साओ पालो शहर तो प्रिस्काबा के खेतरी हवाई अड्डे तो भरी सी उड़ान। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शेंचनी प्रांत के यूलिन शहर का निरीक्षण दौरा किया। यूलिन के कैमिकल लिमिटेड कंपनी च शी जिनपिंग ने सरकूलर अर्थव्यवस्था के कोले की व्यापक वरतों बारे जाणिया। उत्तरी कोरिया तो बाद दक्षणी कोरिया ने भी किया वड्डा मिजाइल परीक्षण। दक्षणी कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के दफ्तर ने एक बयान च कहा कि उन्होंने पानी के अंदर अपनी पहली मिजाइल का परीक्षण किया जो सफल रहा। तालिबान की जिथे पंजशीर घाटी च लड़ाकों नाल जंग जारी है, उत्थे तालिबान ने 20 नागरिकों की हत्या कर दी। उत्थे तालिबान ने पंजशीर घाटी च संचार भी बंद कर दिता जिस नाल रिपोर्टिंग भी मुश्किल हो गई है। भारत में प्रीमियम मोबाइल फोन एप्पल के आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स 24 सितंबर को होंगे उपलब्ध, जिन्हों की शुरुआती कीमत होगी 59,900 रुपये। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारत की मैनुफैक्चरिंग समर्था बढ़ाने लई ऑटो ऑटो कॉम्पोनेंट और ड्रोन उद्योग 26,052 करोड़ रुपये के पैकेज की योजना दी प्रवानगी। पेट्रोलियम मैनुफैक्चरिंग वस्तां अते खनिज तेलां दे महंगे होण करके अगस्त थोक मूल सूचक अंक आधारित महंगाई दर वध के 11.39% पार। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद के घर इनकम टैक्स विभाग वालों चल रहे सर्वे। जानकारी मुताबिक सोनू सूद नाल जुड़िया कुल 6 थावां ते इनकम टैक्स विभाग वालों सर्वे किया जा रहा है। जिक्रयोग है कि यह सर्वे दिल्ली सरकार वालों सोनू सूद नूं मेंटरशिप प्रोग्राम का ब्रांड अंबैसडर बनाए जाने के बाद शुरू होया है। बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका मदान ते सनी कौशल की फिल्म शिद्दत का ट्रेलर होया रिलीज। राधिका मदान ने फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया ते अपने प्रशंसकों नाल कीता सांझा। यह फिल्म 1 अक्तूबर नूं OTT प्लेटफार्म डिजनी प्लस अते हॉटस्टार ते होवेगी रिलीज। बॉलीवुड अदाकार नुसरत बरूचा की आने वाली होरर फिल्म शोरी का पहला मोशन पोस्टर होया रिलीज। अदाकार नुसरत बरूचा ने अपने इंस्टाग्राम पेज से फिल्म शोरी का अपना पहला लुक प्रशंसकों नाल कीता सांझा। यह फिल्म नवंबर नूं OTT प्लेटफार्म Amazon प्राइम वीडियो तो होवेगी रिलीज। अदाकार ईशान खट्टर ने अपनी आने वाली जंगी फिल्म पीपा के पहले शेड्यूल की शूटिंग की शुरू। मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक किया जारी। इस फिल्म च ईशान ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता के रूप च आउणगे नजर। अदाकारा निकिता रावल नाल दिल्ली के शास्त्री नगर च बंदूक की नोक से हुई लुट की वारदात, जिस दौरान नकाबपोशा वालों गन पॉइंट से अभिनेत्री तो 7 करीब लाख रुपए की नकदी लुटी। दरअसल निकिता एक शूटिंग के सिलसिले च दिल्ली अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रही थी।
श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने एक शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म करते हुए T20 क्रिकेट तो संन्यास लैन का किया फैसला। इस दे नाल ही उन्होंने क्रिकेट के सारे रूपा तो लिया संन्यास। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का ट्विटर अकाउंट हैक। हैकर्स ने क्रिप्टोकरेंसी नाल जुड़े कुछ ट्वीट किए सांझे। हालांकि कुछ समय च फ्रेंचाइजी की सोशल मीडिया टीम द्वारा अपना अकाउंट किया गया रिकवर।